नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की 1 बात का 100 बात की 1 बात में आज अब क्यों विवादों में भगवंत मान। एमएमएस कांड का विदेशी कनेक्शन क्या है, क्या ताइवान को अमेरिकी सेना बचाएगी और हिजाब पर हल्ला कहां मचा। मध्य एशिया के 2 मुल्कों की सेनाओं के बीच भयंकर झड़प चल रही है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान की सेनाएं पिछले 4 दिन से एक दूसरे को निशाना बना रही हैं। सीमाओं के लिए हो रही इस जंग में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और खूनी जंग अभी थमी नहीं है। दोनों देशों की सेनाओं ने अब जंग में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। किर्गिस्तान की एक महिला का एक हैरान करने वाला वीडियो इंटरनेट पर आया जिसमें गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो रिकॉर्ड कर रही है महिला लगातार दौड़ती रही और ताजिकिस्तान की सेना पर बेरहमी का आरोप लगाती रही। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही देशों की सेनाओं ने अब विवादित इलाकों पर कब्जा करना ही एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। ताजिकिस्तान की फौज ने बॉर्डर के इलाकों में एक पुल को ध्वस्त कर दिया। ये पुल दोनों देशों को जोड़ता था। किर्गिस्तान की फौज को रोकने के लिए इस पुल को ढेर किया गया। किर्गिस्तान की फौज भी जंग में पूरा दम लगा रही है, यहाँ तक कि अपने बारकताश ड्रोन भी तैनात कर दिए गए हैं। किर्गिस्तान की फौज ने ऐसे ही एक ड्रोन के हमले का वीडियो जारी किया। हमले में ताजिकिस्तान की फौज की एक गाड़ी ढेर होती दिखाई दी। और खबर तो यह है कि अभी से दोनों देशों का इस जंग में तगड़ा नुकसान हो चुका है। जंग में जख्मी होने वाले ज्यादातर लोग फौजी नहीं बल्कि बेकसूर आम लोग बताए जा रहे हैं जो बॉर्डर के इलाकों में गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के बॉर्डर पर ऐसे कई इलाके हैं जिनमें कभी सीमा तय ही नहीं हुई। पहले भी बॉर्डर पर झड़पें होती रही हैं, लेकिन इतनी भीषण जंग पहले कभी नहीं हुई। ताजिकिस्तान की फौज के जवान पहाड़ी इलाकों में गांवों पर गोलीबारी करते हुए देखे गए। एक वीडियो ऐसा भी सामने आया जिसमें एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम कबाड़ बना हुआ दिखा। दावा है कि किर्गिस्तान की फौज के ताबड़तोड़ हवाई हमलों में ताजिकिस्तान को इसी तरह नुकसान हो रहा है। ऊपर से दावा यह है कि दोनों ही देशों की सेनाएं बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियों और ताकतवर जहाजों की टुकड़ियों को बॉर्डर पर लगातार भेजा जा रहा है। यहां तक कि सीमा के पास के गांवों में रहने वाले लोगों को भी वहां से हटाने का काम सेना को ही दिया गया है। और सबसे अहम बात यह कि दोनों देशों में तनाव खत्म करने के लिए अब तक कोई बातचीत तक नहीं हुई है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में सीमा का विवाद कोई नई बात नहीं है बल्कि जब से ये दोनों देश बने हैं तब से इन दोनों मुल्कों में सीमाएं विवादित हैं। लेकिन दोनों ही देशों में दोस्ताना रिश्ते रहे हैं इसलिए कभी झगड़े सुलझाने पर कोई गंभीर प्रयास तक नहीं हुए। पहले ये दोनों देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, बाद में जब सोवियत संघ टूटा तब ये दोनों देश बने। उस वक्त बस कुछ समुदायों की आबादी के आधार पर बंटवारा कर दिया गया। हालांकि दोनों देशों के बॉर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा तो ऐसा है जहां कोई बंटवारा हुआ ही नहीं, मतलब वहां रहने वाले लोगों को ये पता ही नहीं कि वो किस देश के निवासी हैं। लेकिन वहां सबसे बड़ी परेशानी पानी की, दोनों ही देशों में पानी की कमी है इसलिए झीलों और नहरों के पानी पर झगड़े होते रहते हैं। पिछले साल भी पानी के लिए दोनों देशों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बड़ा था कि बाद में दोनों तरफ की सेनाएं भी शामिल हो गई थी। उस वक्त भी 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इस बार विवाद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और विवाद खत्म होने की सूरत बनती नहीं दिख रही। हालांकि दावा यह है कि इस बार भी झगड़ा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की वजह से शुरू हुआ था। सबसे अहम बात यह कि दोनों देशों में झड़पें सेनाओं में शुरू नहीं होती बल्कि शुरुआत वहां के लोग करते हैं जिनमें बाद में सेनाएं भी शामिल हो जाती हैं। इस बार भी ऐसा ही होने की खबर है। लेकिन रूस के लिए ये झगड़ा टेंशन बढ़ाने वाला है क्योंकि दोनों ही देश रूस के मित्र हैं। दोनों ही देशों में रूस की फौज के ठिकाने हैं। रूस के दो साथियों का कमजोर होना पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाला है, खासतौर पर तब जब यूक्रेन जंग के बाद पुतिन को घेरने की कोशिश दुनिया भर में चल रही हो। रूस का एक संगठन है जिसमें केवल रूस के कुछ पक्के सहयोगी देश हैं। इसका नाम है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में मोटे तौर पर वो देश हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे। इसे बनाया गया था 1992 में और मकसद ये था कि सोवियत संघ खत्म होने के बाद ये देश एक दूसरे की हर मुमकिन मदद कर पाए। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान दोनों ही देश सीएसटीओ का हिस्सा है और दो सदस्य देशों का आपस में इस तरह टकराना रूस की टेंशन बढ़ाने वाला है। इसीलिए पुतिन लगातार इस जंग को खत्म करवाने की कोशिश में जुटे हैं। पहले उन्होंने समरकंद में भी दोनों देशों के नेताओं को समझाने की कोशिश की और उसके बाद रविवार को भी दोनों देशों को सीज फायर पर राजी करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। खबर है कि बार बार सरकारों की तरफ से सीज फायर पर सहमत होने का दावा हुआ लेकिन बाद में एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगा दिया गया। मतलब ये कि राजनीतिक समाधान की कोशिश अब तक नाकाम रही है और इन कोशिशों का जमीन पर कोई असर नहीं दिख रहा।
उधर चीन और ताइवान के बीच जारी तनातनी के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने वो बयान दे दिया जिससे चीन की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। एक इंटरव्यू में बाइडेन ने साफ कर दिया कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिकी सेना उसकी रक्षा करेगी। यानी जो अमेरिका अब तक इशारों इशारों में चीन को धमका रहा था, अब उसी ने जंग छिड़ने पर ताइवान का कवच बनने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने शी जिनपिंग को यह चेतावनी अमेरिकी टीवी चैनल CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दी। US forces, US men and women would defend Taiwan in the event of a Chinese invasion. Yes. बाइडेन की इस हां का मतलब साफ है कि ताइवान पर हमले की भूल चीन को बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिकी सेना की महाशक्तिशाली मिसाइलों का मुंह चीन की तरफ मुड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इस जंग में महज 3 देश शामिल नहीं होंगे बल्कि ये दुनिया में एक नया महायुद्ध भड़काने वाली चिंगारी साबित हो सकती है। और बाइडेन का ये बयान ऐसे समय में आया जब हाल के दिनों में चीन अपनी हरकतों से ऐसा दिखाने की कोशिश कर चुका है कि मानो वो ताइवान पर हमला करने ही वाला है। क्योंकि अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन बुरी तरह भड़क गया था और उसके बाद वो लगातार खतरनाक मिसाइलों से लैस अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों का बेड़ा भेजकर ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। ताइवान का आरोप है कि चीन के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान बार बार ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं, जबकि ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो लाइन है जो समंदर में चीन और ताइवान को अलग करती है। इसके साथ ही उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान के करीब जाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की मानो वो कभी भी उस पर बम बरसा देंगे। मतलब ये कि जंग भले ही न छिड़ी हो लेकिन चीन लगातार ताइवान की घेरेबंदी कर उसको डरा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि अगर युद्ध हो गया तो वो आसानी से ताइवान को घुटनों पर ले आएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि अब तक इशारों में चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश में जुटा अमेरिका भी खुलकर ताइवान के समर्थन में उतर आया, जिसके लिए ताइवान की सरकार ने भी अमेरिका का आभार जताने में देर नहीं लगाई, क्योंकि अपनी सेना मैदान में उतारने का भरोसा देने से पहले ही अमेरिका ताइवान को अपने घातक हथियारों से लैस करने की तैयारी भी कर चुका है, जिसके लिए अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने उस बिल को मंजूरी दे दी जिसके कानून बनने पर ताइवान को अमेरिका से $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 36,000 करोड़ के हथियार और दूसरी सैन्य मदद देने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही अमेरिका ताइवान को हथियार खरीदने के लिए $200 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 16,000 करोड़ का लोन भी दे सकेगा। इसके साथ ही बाइडेन को ये अधिकार भी मिल जाएगा कि चीन के ताइवान पर हमला करते ही वो उस पर सख्त प्रतिबंध लगा सकें। इस बीच चेक रिपब्लिक का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचने पर चीन का पारा चढ़ गया। उसने यूरोप के इस देश को खुलेआम धमकी दी कि उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन लगातार उन देशों को धमका रहा है जो ताइवान के साथ खड़े हैं, क्योंकि चीन का मानना है कि ये देश वन चाइना पॉलिसी को नहीं मानते। लेकिन लगता है कि चीन की धमकी इन देशों को हवा हवाई लग रही है, क्योंकि न तो इन देशों ने ताइवान से रिश्ता तोड़ा और न ही अपने प्रतिनिधिमंडल को वहां जाने से रोका। इन देशों में यूरोप का छोटा सा देश चेक रिपब्लिक भी शामिल है, जिसका 14 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल 6 दिन की ताइवान यात्रा पर है। इस यात्रा का मकसद व्यापार, पर्यटन और चिप समेत कई मुद्दों पर ताइवान और चेक रिपब्लिक को साथ लाना है। यानी लिथुएनिया के बाद यूरोप का एक और देश चीन के सामने डंके की चोट पर ताइवान के साथ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से चीन की नींद उड़ गई। उसे पता है कि यूरोप के ये छोटे छोटे देश उसके लिए कितने जरूरी हैं, लेकिन चीन ने ठान लिया है कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपनी पॉलिसी से कोई समझौता नहीं करेगा। और जो भी देश ताइवान का साथ देगा वो उसके दुश्मनों की लाइन में खड़ा हो जाएगा। वैसे पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद ये लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ताइवान के लिए खून की नदियां बहाने का मन बना चुके चीन पर इसका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि चेक रिपब्लिक में चीन के दूतावास ने बयान दिया कि चेक रिपब्लिक का ये कदम ताइवान को खुला समर्थन है और इससे चीन और चेक रिपब्लिक के रिश्ते कमजोर होंगे। इसके पहले चीन ने लिथुआनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था, क्योंकि उसने ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने का फैसला लिया था, जिससे चीन का मूड खराब हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर लिथुआनिया ने ताइवान के साथ व्यापार का रास्ता खोला। और ये बात चीन को बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि उसका कहना है कि ताइवान में प्रतिनिधिमंडल भेजने या फिर उसके साथ व्यापार करने का मतलब है चीन के खिलाफ खड़ा होना। और इसी वजह से वो एक के बाद एक कई देशों को सीधा अपने दुश्मनों की लिस्ट में डालता जा रहा है। वैसे चीन के इतना चिढ़ने के बावजूद फ्रांस, लिथुएनिया, अमेरिका और जापान समेत कई देशों ने ताइवान में अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं। जापान ने तो युद्ध की स्थिति में ताइवान से अपने नागरिकों को निकालने के प्लान पर बातचीत भी शुरू कर दी है। यानी चीन के चीखने चिल्लाने का उन देशों पर कोई असर नहीं पड़ रहा जो ताइवान का साथ देना चाहते हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं, वो धमकी देने से बाज नहीं आ रहा और लगातार ताइवान के दोस्तों और अपने दुश्मनों को धमका रहा है।
इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और किरेन रिजिजू की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी बीजेपी में विलय कर दिया। कैप्टन साहब की जो सोच है वो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती रही है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ने वाले अमरिंदर सिंह के इस फैसले पर सवाल उठाए। वो स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए, प्रजातंत्र में कोई भी होता है, लेकिन बहुत गलत निर्णय है। बीजेपी में शामिल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया और पंजाब के लोगों की भलाई के लिए लड़ाई जारी रखने की बात कही। मेरा काम है पंजाब के वास्ते अपनी लड़ाई लड़नी है, मैं पंजाब वास्ते लड़ाई लड़ूंगा। उधर प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक लड़के ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। दावा किया गया कि वहां फीस बढ़ने की वजह से कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी था, जिसने देखते ही देखते आज उग्र रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक लड़के ने वहां खुद को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को आग लगा पाता, साथी छात्रों और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। हालांकि पुलिस के रुकते ही वहां मौजूद छात्र भड़क गए और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। आरोप लगाया गया कि हंगामा करने वाले कई छात्रों को पुलिस ने इससे पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जब वहां हंगामा शुरू किया तब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इससे पहले तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यूनिवर्सिटी में है वो माहौल खराब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस बवाल के बाद पुलिस ने वहां लगे छात्रों के तंबू उखाड़ दिए, साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा न करने की सख्त हिदायत दी। इस बीच ईरान में एक लड़की की पुलिस हिरासत में हुई मौत पर हंगामा मच गया। आरोप है कि उसे हिजाब न पहनने पर पुलिस ने हिरासत में लिया था, जहां हुई मारपीट की वजह से शुक्रवार को उसकी मौत हो गई थी। और उसी के बाद पूरे देश में बवाल मच गया। ईरान में राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। कुछ महिलाओं ने विरोध जताने के लिए अपने बाल काटे तो कुछ ने हिजाब को आग के हवाले कर दिया। वहीं सड़कों पर भी वहां की सरकार और पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। वहीं कुछ जगहों से प्रदर्शनकारियों और पुलिस की झड़प की खबरें भी सामने आई। तेहरान से आए एक वीडियो में दिखा कि पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, जिनके धमाकों से वहां मौजूद लोग बौखला गए और जवाब में पुलिस पर पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। और ऐसा किसी एक जगह पर नहीं हुआ, बल्कि ईरान के कई शहरों में सैकड़ों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर जमा हो गए, जिन्हें दिन रात की भी परवाह नहीं थी। दावा किया गया कि 22 साल की महसा अमीनी नाम की लड़की को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में लिया था, क्योंकि उस पर हिजाब न पहनने का आरोप था। चश्मदीदों का दावा है कि उसे इतना पीटा गया कि उसने पुलिस वैन में ही दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये आरोप झूठे हैं, लड़की की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। और इसी बात पर पूरे ईरान में बवाल मचा हुआ है। लोगों का गुस्सा इस कदर है कि पुलिस से संभाले नहीं संभल रहा। कुछ जगहों पर तो हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। कई जगहों पर तो लोग बीच सड़क पर अपनी गाड़ियों से उतरकर प्रदर्शन में हिस्सा लेते दिखे, जिन्हें बाद में वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इधर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ममता सरकार ने केंद्र पर सीबीआई और ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का फिर आरोप लगाया। इसके विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और टीएमसी पर हमलों की बौछार कर दी। विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसके मतलब आप जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उसके सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कई घंटों तक पूछताछ की। खबर है कि इस दौरान पार्थ चटर्जी ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया और सारा दोष शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मढ़ दिया। उधर राजस्थान के जोधपुर में कुत्ते को कार से घसीटने वाले डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि रजनीश गालवा नाम के एक डॉक्टर ने आवारा कुत्ते को अपनी कार से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा था, जिसका वीडियो एक दिन पहले वायरल हो गया था, जिसमें एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ता दिखाई दिया था, लेकिन उसके गले में बंधा पट्टा कार के ड्राइवर के हाथ में नजर आया। आरोप है कि डॉक्टर ने कुत्ते को कार से बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं। पशु प्रेमी थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने उन छात्रों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की।
दावा तो यह भी किया गया कि उन्हें रोकने वालों पर आरोपी डॉक्टर ने कार चढ़ाने की कोशिश भी की। हालांकि जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने किसी तरह उस कुत्ते को डॉक्टर के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं आरोपी डॉक्टर के खिलाफ इस मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। इस बीच खबर है कि F-16 लड़ाकू विमानों के लिए तुर्की अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के राष्ट्रपति ने चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिका अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहा तो वो आधुनिक लड़ाकू विमान हासिल करने के लिए दूसरे देशों का रुख करने से नहीं हिचकेंगे। और उन्होंने ये धमकी पिछले दिनों उज्बेकिस्तान में हुई SCO समिट में रवाना होने से पहले दी थी, जहां उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर तुर्की रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। असल में तुर्की ने पिछले साल अमेरिका के साथ F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए $600 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 48,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान और अपनी F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए किट मिलनी थी। लेकिन अमेरिका में विरोध तेज होने के बाद ये सौदा अटक गया, क्योंकि खबर है कि इसी साल अगस्त में अमेरिकी सांसदों ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून पास करवा दिया। और इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन के सामने कड़ी शर्त रख दी गई, जिसके तहत तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने से पहले बाइडेन को ये घोषणा करनी होगी कि ये सौदा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। असल में तुर्की के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले पर अमेरिका भड़का हुआ है, और इसे ही तुर्की और अमेरिका के बीच F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटकने की बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जिनके जरिए रूस F-16 फाइटर जेट का पलक झपकते ही पता लगाने का दावा करता है। जबकि तुर्की लगातार ये दलील देता रहा कि वो किसी भी देश से हथियार ले सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और अब अमेरिका के अड़ियल रुख से भड़के तुर्की ने दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी दे दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि तुर्की की वायुसेना अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का करीब 30 साल से इस्तेमाल कर रही है, और तुर्की के पास इनके रखरखाव का भी लंबा अनुभव है। ऐसे में किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदना उसके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी मरम्मत करने के लिए उसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इस बार दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने का दांव चल दिया, क्योंकि ये भी खबर है कि अमेरिका में हथियार लॉबी नहीं चाहती कि ये डील उसके हाथ से निकले, और कहा जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को भी फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। इधर कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्याओं की SIT जांच पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों से जुड़ी उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें 90 के दशक में कश्मीर से उनके पलायन और हत्या के मामलों की जांच SIT से करवाने की मांग की गई थी। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलिन फर्नांडिस से फिर पूछताछ की। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में परीक्षा की तारीख से नाराज BHU के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी के जल्दी परीक्षा कराने के फैसले से गुस्साए छात्र अपनी मांगों को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस के गेट पर अचानक सैकड़ों छात्रों के पहुंचने से वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। वो छात्रों को समझाते रहे, लेकिन छात्र यूनिवर्सिटी के चांसलर से मुलाकात करने पर अड़े रहे। इस दौरान तो वहां एक छात्र प्रदर्शन करते हुए बेहोशी हो गया, जिसे उसके बाकी साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा की तारीख जल्दी जारी कर दी गई। 20 से 25 दिन तक हम लोग एग्जाम का टाइम में विस्तार चाहते हैं। छात्रों ने हंगामा करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग की। यही नहीं, मांग नहीं पूरी होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी से BA का कोर्स कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने निकोलेव शहर में मौजूद उसके एक और परमाणु पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। रूस की सेना ने जंग की शुरुआत से ही वहां के ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा जमा कर रखा है। और अब यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइल ने जिस पिव्देनोक्रेंस्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां से हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह टकराती दिखाई दी। मिसाइल के टकराते ही वहां एक धमाका हुआ जिससे तेज रोशनी निकली।
यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर की दूरी पर टकराई। दावा किया गया कि मिसाइल के फटने के बाद इतने जोर का धमाका हुआ कि एक बिल्डिंग की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे तक टूट गए, जबकि आसपास की दूसरी कई इमारतों को भी धमाके की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन ने इसे पुतिन का परमाणु आतंकवाद करार दिया, क्योंकि करीब 6.5 महीने से जारी जंग में रूस ने कई बार यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाया जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। जंग शुरू होते ही सबसे पहले रूस के सैनिकों ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कंट्रोल किया था। रेडिएशन फैलने की चिंता किए बगैर रूसी सेना ने वहां टैंक समेत भारी भरकम हथियार पहुंचाए थे। ये जानते हुए भी कि 36 साल पहले यहां कितना बड़ा खतरनाक हादसा हुआ था, इसके बावजूद रूस के सैनिक यहां फैली रेडियोएक्टिव धूल के बीच में कई दिनों तक बड़े आराम से जमे रहे। कहा गया कि जब वो वहां से गए तो उन्होंने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से में रेडियोएक्टिव धूल को फैला दिया था। दावा तो ये भी किया गया था कि चेर्नोबिल पर कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों में ज्यादातर को गंभीर बीमारियां हो गई थी, लेकिन रूस की सेना ने इससे भी कोई सबक नहीं लिया, बल्कि जंग के कुछ दिनों बाद ही उसके निशाने पर ज़ापोरिज़्या परमाणु प्लांट आ गया। रूस ने अपनी पूरी ताकत से हमला बोलकर यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मार्च में ही कब्जा कर लिया था, और 6 महीने से ज्यादा वक्त से उसकी सेना वहां कंट्रोल करके बैठी है। ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट से रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। इसी वजह से प्लांट के आसपास काफी गोलाबारी हो रही है। दिन बीतने के साथ ही वहां के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। आशंका जताई गई कि एक भी मिसाइल अगर न्यूक्लियर प्लांट से टकरा गई तो फिर रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे बच पाना यूक्रेन ही नहीं यूरोप के कई देशों के लिए भी नामुमकिन होगा। खुद यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ने ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थिति को भयावह बताया था, और इसीलिए वो अपने साथ 4 लोगों की एक टीम लेकर ज़ापोरिज़्या परमाणु पावर प्लांट के हालात जानने के लिए वहां पहुंचे थे। हालांकि रूस पर आरोप है कि इस दौरान भी उसने प्लांट के आसपास गोलाबारी की थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग में किसी के भी दखल देने पर बुरी तरह भड़क जाता है। और माना जा रहा है कि निकोलेव में यूक्रेन के दूसरे बड़े परमाणु प्लांट के करीब मिसाइल दागकर उसने यही संदेश देने की कोशिश की। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के मिसाइल हमले में पिव्देनोक्रेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहां पास ही बना एक हाइड्रो पावर प्लांट कुछ समय के लिए बंद हो गया था। वहीं निकोलेव के परमाणु पावर प्लांट पर हमले के आरोप पर फिलहाल रूस ने चुप्पी साध रखी है। इधर कांग्रेस नेता DK शिवकुमार से पूछताछ हुई। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार से दिल्ली में पूछताछ की। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला इलाके में भारत नेपाल को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास किया। बताया गया कि ये पुल अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा, ये ऐतिहासिक पुल होगा। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार और शनिवार को बिहार के सीमांचल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा में भी शामिल होंगे। ऐसे में महागठबंधन ने भी इन जिलों में रैली करने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए हम बताएं सभा करेंगे। उधर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक यात्री के नमाज पढ़ने की जिद पर हंगामा हो गया। ये विमान पेशावर से दुबई जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक यात्री ने अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की और जब विमान के कर्मचारियों ने उसे रोकना चाहा तो वो फ्लाइट की खिड़की पर लात मारने लगा। सामने आए वीडियो में विमान यात्री सबसे पहले जूते, बेल्ट और पासपोर्ट समेत तमाम चीजें उतारकर अपनी सीट पर रखता दिखा। इनको भी तंग कर रही, बाकी मुसाफिर भी है। फिर सिर पर रुमाल बांधकर नमाज पढ़ने बैठ गया। जब क्रू के सदस्यों ने उसे रोकना चाहा तो वो आग बबूला हो गया और नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ा रहा। यही नहीं, वो फर्श पर लेटकर विरोध जताने लगा। किसी तरह समझा बुझाकर उसे सीट पर बिठाया गया, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर उठा और अपनी शर्ट उतारकर हंगामा करने लगा, जिससे अंदर मौजूद लोग डर गए। उसकी इस हरकत का वीडियो वहीं मौजूद एक यात्री ने बना लिया। बाद में दुबई में लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच खबर है कि भारतीय फौज की ताकत से घबराए चीन का पूरा ध्यान इस वक्त LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने पर है। चीन ने इस इलाके में अपनी फौज पर खर्च कई गुना बढ़ा दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन का पूरा ध्यान भारत से लगने वाली LAC पर है। 2020 के बाद से ही LAC पर तनाव के हालात बने हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि दोनों देशों के करीब 70,000 सैनिक LAC के पास तैनात हैं। पिछले कुछ महीनों में चीन ने LAC के पास भारत को उकसाने वाली कई हरकतें की हैं। चीन की वायुसेना के कुछ फाइटर जेट LAC के बेहद करीब उड़ान भरते देखे गए। जवाब में भारतीय फौज ने भी अपने राफाल और मिराज जैसे ताकतवर जहाजों को मोर्चे पर तैनात कर दिया।
जब उकसाने वाली घटना का भी भारतीय फौज के हौसलों पर कोई असर नहीं हुआ तो चीन ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। खबर है कि भारतीय फौज की ताकत देखकर चीन की हालत खराब है। अब एलएसी के पास वो पानी की तरह पैसा बह रहा है। सब कुछ भूलकर सिर्फ एलएसी पर जोर लगा रहा है। सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे दमदार हथियार एलएसी तक वो पहुंचाने में लगा है। चीन की सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड पर पैसों की बारिश करने में जुटी है, क्योंकि चीन की सेना की इसी यूनिट पर एलएसी की हिफाजत की जिम्मेदारी है। वेस्टर्न थिएटर कमांड का वजूद ज्यादा पुराना नहीं है। 2016 में शी जिनपिंग ने ही इसका गठन किया था। चीन के दक्षिणी हिस्से की सीमाओं की सुरक्षा का काम वेस्टर्न थिएटर कमांड का है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और म्यांमार जैसे लगने वाली चीन की सीमाओं एचजे वेस्टर्न थिएटर कमांड की तैनाती है। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा का काम भी चीन की सेना की इसी यूनिट का है। सीपीईसी के लिए काम करने वाले चीन के कर्मचारी हों या फिर चीन की मशीनें हों, इनकी सुरक्षा का काम वेस्टर्न थिएटर कमांड का ही है। अप्रैल 2020 में वेस्टर्न थिएटर कमांड के जवानों ने ही लद्दाख के कई इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की। दावा है कि इस यूनिट की बागडोर हमेशा उन अफसरों के हाथ में दी जाती है जो अनुभवी होने के अलावा शी जिनपिंग के बेहद करीबी हों। लेकिन गलवान में अब चीन की सेना को भारतीय फौज ने चौंकाया तो वेस्टर्न थिएटर कमांड के सारे मुगालते दूर हो गए। तभी से चीन केवल मनोवैज्ञानिक खेल खेलने में लगा है, क्योंकि एक तरफ तो चीन और भारत की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा। सेना के अफसर माहौल ठीक करने पर बात कर रहे हैं और उन्हीं के फाइटर जेट एलएसी के पास माहौल बिगाड़ रहे हैं। दावा है कि चीन की कोशिश अब वेस्टर्न थिएटर कमांड को मजबूत बनाने की है। चीन की फौज को कुल 5 हिस्सों में बांटा जाता है जिनमें वेस्टर्न थिएटर कमांड भी एक है। लेकिन दावा यह है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड को बजट में सबसे ज्यादा फंड दिया गया। जिस वक्त ताइवान के मुद्दे पर टेंशन कई गुना बढ़ी हुई हो उस वक्त ये खबर हैरान करने वाली है। दक्षिण चीन सागर में चीन को कभी भी बहुत बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चीन का ध्यान एलएसी पर है। मतलब साफ है कि चीन इस वक्त घबराया हुआ है। उसकी पूरी कोशिश किसी भी तरह भारत से मुकाबले के लिए अपने हाथ मजबूत करने की है। इधर शिवसेना नेता संजय राउत को जेल में ही रहना होगा। जमीन घोटाले में गिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ गई। उनकी जमानत याचिका पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। यूपी विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी स्कूल में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवा पहलवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। मैं आपके माध्यम से भी खिलाड़ियों से एक बात कहूंगा कि और नशे से दूर रहें। उधर पंजाब के मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड के तार विदेश से जुड़ने का दावा किया गया। कुछ छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं पुलिस केस के इस एंगल की जांच भी करेगी, क्योंकि अगर छात्राओं का आरोप सच हुआ तो ये मामला और बढ़ सकता है। पुलिस का कहना है कि जो वीडियो बना वो उसी छात्रा का था जिसने वो वीडियो बनाया था, लेकिन छात्राओं का आरोप है कि केवल एक नहीं बल्कि कई वीडियो बनाए गए जो अलग अलग छात्राओं के थे। यही नहीं, कुछ छात्राओं ने तो ऐसा आरोप लगाया कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस आरोप के बाद मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड के तार विदेश से जुड़े होने का दावा किया गया। बवाल के बीच कुछ छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें कनाडा के नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हेलो, पंजाब की इस निजी यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले जब ये मामला सामने आया था तो हड़कंप मच गया था, क्योंकि छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए, जिसके बाद बवाल बढ़ता गया और छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और एक दिन पहले पूरे दिन छात्राएं आंखों में गुस्सा और हाथों में बैनर लेकर मोहाली की सड़कों पर प्रदर्शन करती रहीं। छात्राओं ने मांग की कि अपने दोस्त के साथ मिलकर एमएमएस कांड करने की आरोपी छात्रा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया जाए, और वही हुआ और आरोपी छात्रा और उसके दोस्त समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों आरोपी जो शिमला से गिरफ्तार किए गए थे उन्हें लेकर पहुंचे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कहां तक ये एक्सेस था? कुछ कहेंगे? ये वीडियो कहां था? एक तरफ मोहाली के एमएमएस कांड के आरोपी रिमांड पर गए और दूसरी ओर इस मामले के विदेशी कनेक्शन का एंगल सामने आ गया, और कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी क्योंकि इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। अब तक इस बात पर सस्पेंस है कि एक वीडियो बना था या 60, और विदेशी कनेक्शन के आरोप ने तो पुलिस को हिलाकर रख दिया है। इस बीच एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के पहले मैच के बाद फैले तनाव ने इंग्लैंड के लेस्टर शहर में दंगा ही भड़का दिया। 2 दिन पहले वहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे। लगातार 2 दिन तक बवाल हुआ, फिर पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
क्योंकि शांत रहने वाले लेस्टर शहर में हालात बिल्कुल बेकाबू हो गए थे। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं उनमें आग बबूला प्रदर्शनकारी एक गाड़ी पर टूटे नजर आए, वो उस पर अपनी ताकत आजमाते दिखे। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के प्रदर्शनकारियों को एक दूसरे से दूर करने के लिए पुलिस वाले उनके बीच दीवार बनकर खड़े तो हो गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें ही लपेटे में ले लिया। पुलिस वालों पर जमकर कांच की बोतलें फेंकी गईं। 28 अगस्त को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच हुआ था जिसे भारत ने जीत लिया था। तभी से लेस्टर शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय में टेंशन शुरू हो गई थी, और वो टेंशन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दो दिन तक लेस्टर शहर हिंसा की आग में जलता रहा। बताया गया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों और झूठे दावों ने तनाव की इस आग में घी डालने का काम किया, जिसमें एक झूठ ये था कि शहर की एक मस्जिद पर हमला किया गया है। पुलिस ने लोगों को इस तरह की अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी दी, लेकिन शायद तब तक अफवाह जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल चुकी थी, क्योंकि एक वीडियो में पुलिस के भरे पूरे दस्ते के सामने एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी एक मंदिर की दीवार पर चढ़ा दिखा। उस पर वहां लगे भगवा झंडे को उखाड़ने का भूत सवार था। इतनी पुलिस थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, बस तमाशा देखती रही। बाद में कुछ लोग भगवा झंडे को आग लगाते भी नजर आए। इधर शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक और ऑटो समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही, इससे सेंसेक्स 300 अंक ऊपर 59,141 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 91 अंक उछलकर 17,622 पर पहुंच गया। करीब 30 साल बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से फिर सिनेमा घरों का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार वहां के लोग बड़े शहरों की तरह मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बैग की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। उधर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कमी नहीं आई, क्योंकि वहां कई गांवों में पानी की रफ्तार की वजह से मिट्टी का कटाव जारी है। वहां के एक इलाके से इसकी एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक मकान का आधा हिस्सा पानी में समा गया। गंगा नदी में उफान आने के बाद घर के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई थी, जिसके बाद घर की छत का सामने का हिस्सा झुक गया था, लेकिन मिट्टी के कट जाने की वजह से मकान ज्यादा दिन नहीं टिक सका और वो पानी में बह गया। सैलाब में मकान कुछ ही देर में देखते ही देखते नदी में डूब गया। तेजी से हो रहे कटाव में लोगों के घर लगातार किसी तिनके की तरह पानी में समा रहे हैं। दो दर्जन तक घर समा गए गंगा में। भागलपुर के सबौर में हालात इतने खराब हो गए कि लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह कटाव हो रहा है उससे लोगों को डर है कि कहीं वो उसकी चपेट में ना आ जाए। भागलपुर के ही एक दूसरे इलाके में ऐसा ही डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छप्पर के घर के साथ कुछ भारी भरकम पेड़ नदी में समा गए, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पहले वहां कुछ था ही नहीं। चंद सेकंड के अंदर ही पेड़ों के नामो निशान मिट गए। यही नहीं, वहां के अलग अलग इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई पेड़ नदी में किसी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम हो गया, लेकिन कटाव जारी है, जिसकी वजह से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। वहां कटाव की जद में न केवल मकान आ रहे हैं, बल्कि अब तक कई सड़कें भी नदी में समा चुकी हैं। इस बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से हल्द्वानी के एक इलाके में एक आदमी बहते सैलाब में जा गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसल कर नदी के किनारे जा पहुंचा। इस दौरान उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उफान के आगे उसकी एक न चली और देखते ही देखते वो नदी में बह गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस आदमी की तलाश में जुट गई। उधर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदियों में उफान आने की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गईं। औरंगाबाद में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां सड़क पर भरे पानी के बीच एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह फंसा नजर आया, जबकि कुछ लोग उसकी मदद कर उसे सैलाब की तेज धारा से बाहर खींचते दिखाई दिए, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। हालांकि कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल के साथ उस आदमी को बचा लिया गया। भारी बारिश का असर औरंगाबाद के कन्नड़ तालुका में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी। जोरदार बारिश के बाद पानी भरने से कई दुकानों को बंद करना पड़ा। यही नहीं, वहां निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते नजर आए। इधर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया।
इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए और फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर चंपावत जिले से भी सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उधर जापान के क्यूशू द्वीप से टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने लोगों को हिलाकर रख दिया। इस तूफान की चपेट में आने से 11 लोगों को चोटें आईं, क्योंकि 3 दिन पहले उठे इस तूफान की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दिखाई दी। सामने आई तस्वीरों में विशाल समंदर में उठती लहरों को देखकर वहां मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाए, वो ये मंजर देखकर घबरा गए। बताया गया कि इस बेहद ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में करीब 14 मीटर की ऊंचाई तक लहरें उठी। और ये तस्वीरें सबके लिए हैरान करने वाली नहीं। बताया जा रहा है कि क्यूशू द्वीप पर तबाही मचाने के बाद ये तूफान उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले जापान के इस द्वीप पर करीब 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं भी चली, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। सबसे भयावह तस्वीर तो वहां के हवाई अड्डे से सामने आई, जिसमें विमान के चालक दल का एक सदस्य प्लेन के दरवाजे को बंद करने के लिए काफी देर तक जद्दोजहद करता नजर आया। हवा की तेज रफ्तार के आगे प्लेन के दरवाजे को बंद करने में उसे काफी परेशानी हुई। द्वीप पर बड़े और घने पेड़ भी हवा के आगे टिक नहीं पाए। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से कई इलाके सुनसान दिखे। वहां सड़कों पर एक शख्स भी नजर नहीं आया। इस ताकतवर तूफान ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त करके रख दिया। इधर अखंड पाठ का प्रसाद लेकर सिख समुदाय का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। दिल्ली में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री को पगड़ी भी पहनाई गई। असल में सिख समुदाय के इन लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अखंड पाठ किया था, जिसके बाद उन्हें प्रसाद दिया गया। बिहार में जगदानंद सिंह फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। बतौर प्रदेश अध्यक्ष यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पंजाब के मोहाली में शाम 7:30 बजे से पहला T20 मैच खेला जाएगा। इस बीच खबर है कि पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुर अब बदल गए। उज़्बेकिस्तान में हुई SCO की बैठक में उन्होंने पुतिन के सामने यूक्रेन की जंग पर चिंता जताई थी, और कहा जा रहा है कि इसी बात ने पुतिन के होश उड़ा दिए। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पश्चिमी देशों के निशाने पर आए पुतिन के लिए ये एक और बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि यूक्रेन युद्ध पर अब तक साथ खड़े शी ऐसे पलट जाएंगे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ही यूक्रेन पर हमला करने के लिए घेर लेंगे। लेकिन ऐसा ही हुआ। SCO के मंच पर दोनों के बीच हुई बैठक में शी जिनपिंग ने यूक्रेन युद्ध पर चिंता जताकर पुतिन को बैकफुट पर डाल दिया। और कमाल की बात तो ये कि खुद पुतिन ने शी जिनपिंग के इस बदले रुख की जानकारी दी, जो कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही पुतिन के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों की तमाम धमकियों और चेतावनियों के बाद भी चीन ने अपने दोस्त रूस का हाथ कभी नहीं छोड़ा और उसे लड़ाई में इस्तेमाल के लिए ड्रोन भी दिए। लेकिन कहा जा रहा है कि 7वें महीने में पहुंच गई जंग ही चीन के रूस से मुंह फेरने की वजह है, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पूरी दुनिया में अपनी ताकत का डंका पीट रहे थे। वो ये बताने में जुटे थे कि उनकी शक्तिशाली सेना कुछ ही दिनों में यूक्रेन को घुटनों पर ले आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुतिन की फौज यूक्रेन के किसी नए इलाके पर कब्जा क्या जमाती है, उसके हाथ से तो कई वो इलाके भी निकल गए जिन पर उसने कंट्रोल किया था। माना जाता है कि जंग में रूस की ऐसी हालत से दुनिया में पुतिन की छवि को करारी चोट पहुंची, और इसी वजह से चीन भी उससे कन्नी काटने लगा है। कहा जाता है कि SCO की बैठक में भी पुतिन और शी जिनपिंग के बीच वो गर्मजोशी नहीं दिखी जैसी पहले दिखती थी, और इसके लिए यूक्रेन की जंग में रूस की बुरी हालत को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। असल में चीन के बारे में ये कहा जाता है कि उसकी दोस्ती नफा नुकसान देखकर होती है। जब तक उसे किसी से फायदा मिलने की उम्मीद होती है तभी तक वो उसके गले लगता है, और रूस के मामले में भी ऐसा ही होने जा रहा है। कहा जाता है कि ताइवान के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठे चीन को रूस जैसे शक्तिशाली दोस्त से बड़ी उम्मीदें थी। अमेरिका को जवाब देने के लिए उसके पास रूस से बढ़िया कोई साथी नहीं था, लेकिन पिछले 7 महीने में रूस की हालत ही बुरी हो गई। यूक्रेन की जंग ने उसकी सेना की पोल खोल कर रख दी। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन यूक्रेन जंग पर रूस को इसलिए खरी खरी सुना रहा है ताकि वो खुद को उससे अलग दिखा सके। इधर अगले महीने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक दुकान में लूटपाट की और फरार हो गए।
लेकिन उनकी ये हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े तीन बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक बैंक से 15 लाख रुपए की रकम लूट ली। इधर दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर पर इंटरनेट सर्विस शुरू हो गई। भारतीय सेना खुद को लगातार अपग्रेड कर रही है और बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। और दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन ग्लेशियर पर इंटरनेट सेवा शुरू होना भी उन्हीं का हिस्सा है। वैसे इस सर्विस का इस्तेमाल किन कामों में होगा यह भी पता नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में इंटरनेट शुरू होने से सेना को खुफिया जानकारी साझा करने में आसानी होगी और वो ऊंचाई पर बैठकर परिवार और रिश्तेदारों से बात कर पाएंगे। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र और अब वहां पे तैनात भारतीय सैनिकों को आसानी से इंटरनेट मुहैया हो जाएगी क्योंकि भारतीय सेना ने इसकी शुरुआत कर दी है। सियाचिन पर या यूं कहें कि 19,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर कामयाबी का ये झंडा भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कोर ने गाड़ा और वहां इंटरनेट सेवा शुरू की। इस जगह पर भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत के तहत 1984 से तैनात है और जवानों को सियाचिन ग्लेशियर पर कम से कम 4 महीने बिताने पड़ते हैं और इन्हीं जवानों को अब इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। सियाचिन ग्लेशियर बॉर्डर के पास करीब 78 किलोमीटर तक फैला है। इसके एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ अक्साई चिन है। 1984 में भारतीय सेना को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की सेना की नजर इस इलाके पर है, जिसके बाद भारतीय सेना ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कोर की टुकड़ी को इस इलाके में तैनात कर दिया। इस टुकड़ी के जवानों के पास खून जमा देने वाले ठंड में लड़ने की ताकत होती है और इसीलिए ये सियाचिन में कई महीनों तक डटे रहते हैं। उधर राजस्थान के नागौर में कोर्ट में पेशी के बाद लौट रहे एक गैंगस्टर पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर को नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारी, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़कर आए दो बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ सिर्फ 3 मिनट के ब्रेक के बाद। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहाँ लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है, जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है, वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है, वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। में हुई बैठक के बाद कहा सरकार को मदरसों के सर्वे का हक, अगर मदरसे सरकारी नहीं तो खुद तोड़ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ने जैसी हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज दूसरी बार नमाज पढ़ने पहुंचे लड़के को लोगों ने पकड़ा, पुलिस हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। सुकेश चंद्रशेखर ठगी मामले में जैकलीन फर्नांडिस की दिल्ली पुलिस के सामने आज फिर होगी पेशी। आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन को पेश होने का भेजा है समन्स। सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई की टीम ने गोवा के कलीज और लियोनी रिजॉर्ट में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। सीबीआई ने उन सभी जगहों का वीडियो बनाया जहां पर सोनाली गई थी। मोहाली केस में एक और आरोपी शिमला से गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी, 2 वार्डन को भी सस्पेंड किया गया। देर रात खत्म हुआ छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को दिया जांच का आश्वासन, पुलिस और प्रशासन यूनिवर्सिटी में मौजूद। राजस्थान के झुंझुनू में आसाराम के समर्थकों को ग्रामीणों ने पीटा, अलसीसर इलाके में बेच रहे थे आसाराम की किताबें, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के आरा में आरजेडी जिलाध्यक्ष के चुनाव के दौरान बवाल, कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नवी मुंबई में स्थानीय नेता और उनके साथियों ने एक व्यापारी की पिटाई की, दुकान के बाहर से गाड़ी को न हटाने पर मारपीट, शिंदे गुट का बताया जा रहा है नेता। यूपी के बागपत में पुलिस इंस्पेक्टर ने एक आदमी को थप्पड़ जड़ा, अपनी भतीजी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाने पहुंचा था पीड़ित, अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के कोटा में दुकानदार की बेल्ट से पिटाई, दुकान में भी जमकर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड हुई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में महिला ने मोटरसाइकिल सवार की चप्पलों से पिटाई की, लिफ्ट के बहाने महिला को दूसरी जगह ले गया आरोपी, बीच रास्ते में कूदी महिला। यूपी के रायबरेली में बच्चों को लेकर हुए विवाद में जमकर चली लाठी, एक आदमी पर कुल्हाड़ी से हमला किया, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज।
यूपी के जालौर में छेड़खानी के आरोप में एक लड़के की पिटाई, महज 21 सेकंड में 45 चप्पलें बरसाई। महिला ने रोज छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। बिहार के सीवान में शराब कारोबारी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, 5 पुलिसकर्मी और 1 चौकीदार घायल। मुंबई के बोरीवली इलाके में बीच सड़क पर तलवार से 21 केक काटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, एक लड़के को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप के आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, मामले में पुलिस की गिरफ्त में नाबालिग आरोपी, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार। हरियाणा के बहादुरगढ़ में महिला दुकानदार से लूट, पिस्तौल दिखाकर लूटे 10,000 रुपए, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बैंक से 15 लाख की लूट, गोबरसही में आईसीआईसीआई बैंक में 3 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़ा, 41,000 लोगों ने फर्जी तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, 28 करोड़ से ज्यादा रुपए अपने खाते में लिए। यूपी के हरदोई में फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई 38 छात्राएं, सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, 8 छात्राओं की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश, नदी और नालों में पानी भरा, 7 गांवों से संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नासिक में बाढ़ के पानी में फंसी चुनाव आयोग की टीम, ईवीएम के साथ गांव के मतदान केंद्र पर रात भर रुकी रही टीम, हालांकि मतगणना केंद्र पर सुरक्षित पहुंच गई। बिहार के गोपालगंज में कुछ देर की बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में पानी भरा, रास्ता पार करते हुए कई गाड़ियां खराब हुई। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी के तेज कटाव से लोगों में दहशत, सड़कों और घरों को नुकसान हुआ, अभी तक कई घर गंगा में समा चुके हैं। एमपी के रतलाम में नए टोल बूथ के विरोध में गांव वालों का अनोखा प्रदर्शन, ढोल बजाकर कर्मचारियों का स्वागत किया, सड़क पर गड्ढे होने के बावजूद टोल वसूली करने का आरोप। मुंबई के पास भिवंडी से आई चौंकाने वाली घटना, बिजली की तार की मरम्मत करते वक्त संतुलन बिगड़ने की वजह से एक आदमी समुद्र में गिरा, शव तेज बहाव से बरामद। यूपी के देवरिया में बड़ा हादसा, 2 मंजिला मकान ढहने से 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में एक ट्रक में लगी आग, ड्राइवर के साथ बैठे आदमी की मौत, आग लगने की वजह साफ नहीं। मुंबई में एक चलती मोटरसाइकिल में लगी आग, कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया, बाल बाल बचा मोटरसाइकिल। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर वन, सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर वन, आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल, तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। राजस्थान के नागौर में कोर्ट में पेशी के बाद लौट रहे एक गैंगस्टर पर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों ने संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर को नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारी, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़कर आए 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान पहले फायरिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बदमाशों के डर से इधर उधर भागते दिखे। हालांकि कुछ लोगों ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो हवा में बंदूक लहराते हुए वहां से भाग निकले। बदमाशों के भागने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके दूसरे साथी मोटरसाइकिल से उनका इंतजार करते नजर आए। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गए। हालांकि पुलिस पूरे इलाके में नाकेबंदी कर उनकी तलाश कर रही है। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संदीप शेट्टी नागौर कोर्ट में पेशी से लौट रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यही नहीं, संदीप के साथ उसके 3 और साथियों को भी गोली लगी, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में एक वकील भी घायल हो गया। इस पूरी घटना को एक बड़ी गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। संदीप शेट्टी हरियाणा का नामी गैंगस्टर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संदीप शेट्टी नागौर के एक हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पर इस बार जैसे ही उसकी कोर्ट में पेशी हुई, कुछ बदमाशों ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
उधर अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके जर्मनी दौरे पर घेरने की कोशिश की। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने उन मीडिया रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी से सफाई मांगी जिनमें उन्हें जर्मनी में विमान से उतारे जाने की बात कही गई थी और आरोप लगाया गया था कि शराब के नशे में धुत होने की वजह से जर्मनी से भारत लौटते वक्त भगवंत मान को प्लेन से उतार दिया गया जिसकी वजह से विमान 4 घंटे देरी से उड़ान भर पाया था। इसी को मुद्दा बनाते हुए सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की और एक ट्वीट के जरिए भगवंत मान पर लगे आरोपों को परेशान करने वाला करार दिया और केंद्र से इसमें दखल देने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर जर्मनी की एयरलाइन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ने पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी सफाई सामने आई। पार्टी ने तबीयत खराब होने की वजह से भगवंत मान के दूसरी फ्लाइट में आने की बात कही। बेबुनियाद आरोप लगाने की बदनाम करने की कोशिश की थी। वहीं पूरे विवाद पर जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस ने भी ट्वीट कर अपना बयान जारी किया। उसने आने वाली फ्लाइट के समय पर न पहुंचने और विमान बदले जाने को देरी की वजह बताया। इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम गुजरात दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक गुजरात दौरे पर रहेंगे जहां वो परिवर्तन यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी और ठगी के आरोप में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी अपनी पहचान छिपाकर पिछले कई महीनों से वहां रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को मंच पर फोटो खिंचवाने के दौरान साइड में करते दिखे। इसी तरह राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी फोटो खिंचवाने के लिए एक खिलाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। ब्रेकिंग न्यूज है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर। खबर है कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। सोनिया गांधी से हुई मुलाकात में अध्यक्ष पद के चुनाव पर बात होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक शशि थरूर ने अपनी अध्यक्ष पद पर उम्मीदवारी के बारे में सोनिया गांधी से बात की। जवाब में सोनिया गांधी ने साफ कहा कि 10 डेलीगेट का समर्थन होने पर कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। अब तय माना जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे। न्यूज 18 पहले ही बता चुका है कि राहुल गांधी खुद अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ना ही वो ये चाहते हैं कि गांधी परिवार से कोई और व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, क्या मतलब निकाला जाए इसका, शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे? देखिए किशोर, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद लगभग ये तस्वीर साफ होती दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी चुनाव अब तक लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में इस बाबत की संभावना बनी हुई है कि क्या ये अध्यक्ष पद का चुनाव अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर हो सकता है, क्योंकि शशि थरूर ने सोनिया गांधी से बात करने के बाद लगभग ये मन बना लिया है कि 24 सितंबर से जब पर्चा दाखिला शुरू होगा अध्यक्ष पद के लिए तो नामांकन करेंगे। और गांधी परिवार ये चाहता है कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते तो उनके सबसे विश्वस्त जो है अशोक गहलोत वो चुनाव लड़े। हालांकि अशोक खुद राजस्थान भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि अगर सोनिया गांधी कहेंगी तो वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात की संभावना बढ़ती चली जा रही कि अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर ये मुकाबला हो सकता है और राहुल गांधी को मनाने की कोशिशें भी साथ साथ चल रही हैं। किशोर, आधा दर्जन से ज्यादा राज्य प्रस्ताव पास करके ये प्रस्ताव का किया है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए। तो दोनों तरफ काम चल रहा है, एक तरफ राहुल गांधी को मनाने की कोशिश चल रही है और दूसरी तरफ गांधी पर भी काम हो रहा है कि अशोक गहलोत को गांधी परिवार की तरफ से मैदान में उतारा जाए और उसके मुकाबले शशि थरूर चुनाव लड़ सकते हैं। शुक्रिया अरुण आपका। इस बीच यूक्रेन के आसमान में रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों के बीच उड़ती एक बेहद रहस्यमयी चीज ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर सिर्फ रूस की ही नजर नहीं है बल्कि एलियन भी कीव पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। कीव की मेन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने दावा किया है कि वहां आसमान में एक आध नहीं बल्कि कई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी UFO मंडराते देखे गए हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रात के अंधेरे में कीव शहर रोशनी से जगमगाता दिखा। लग रहा था जैसे एक आम रात है, लेकिन तभी एक रहस्यमयी और बिल्कुल चमकदार उड़न खटोला आसमान में एंट्री लेता नजर आया। एक सीध में उड़ते उड़ते अचानक उसने रफ्तार पकड़ ली और वो ऊंचाई पर जाने लगा। इसके बाद वो दोबारा सीधा सीधा उड़ता दिखा, लेकिन फिर वो उड़न तश्तरी बीच हवा में ठहर गई और खड़े खड़े ऊपर जाने लगी। यूक्रेन के वैज्ञानिकों को नहीं पता कि कीव के आसमान में उड़ती हुई रिकॉर्ड हुई ये चीज क्या है, इसलिए वो इसे अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी UFO कह रहे हैं। और जंग के बीच उनके इस सनसनीखेज दावे ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है क्योंकि आसमान में UFO दिखने का ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है बल्कि यूक्रेन के वैज्ञानिकों के रिसर्च का दावा है कि कीव में कई जगह पर UFO देखे गए। रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने साफ साफ लिखा है कि हमने उन्हें हर जगह देखा,
हमने काफी तादाद में ऐसी चीजें देखी जो असल में क्या थी ये साफ नहीं है। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने ये दावा भी किया कि ये यूएफओ इतनी तेजी से उड़ रहे थे कि उनकी तस्वीर लेना भी मुश्किल था। रिसर्च में एक खास तरह के यूएफओ का भी जिक्र किया गया है जिसे वैज्ञानिक फैंटम कहते हैं। फैंटम ऐसा यूएफओ होता है जिसकी बॉडी बिल्कुल काली होती है। इधर मुंबई में तलवार से केक काटने पर एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई के बोरीवली में एक आदमी पर अपने जन्मदिन पर बीच सड़क पर तलवार से कई केक काटने का आरोप लगा। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने एक फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया जिसके तहत एक मकान से 47 पिस्तौल समेत दूसरे हथियार बरामद किए गए। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए भारत की नौसेना ने नाइजीरिया की नौसेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया। दोनों देशों ने नौसेना की यह ड्रिल गिनी की खाड़ी में की। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और नाइजीरिया के जहाजों ने अपनी ताकत दिखाई। नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए युद्धपोत पर उतरने और समुद्री लुटेरों को पकड़ने की प्रैक्टिस की, क्योंकि गिनी की खाड़ी या यूं कहें कि नाइजीरिया के आसपास के समुद्री इलाकों में समुद्री लुटेरों का जबरदस्त खौफ है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि समुद्री लुटेरों ने इस इलाके में एक शिप पर कब्जा कर लिया था। पता चला कि शिप पर भारतीय क्रू भी मौजूद था। भारतीय नौसेना के जवानों ने इसीलिए नाइजीरिया के साथ मिलकर कड़ी ड्रिल की ताकि अगर समुद्री लुटेरे फिर से हमला करें तो गिनी की खाड़ी में तैनात INS तरकश उन्हें खदेड़ सके। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन समेत पूरे यूरोप को चेतावनी दी कि अभी जंग और खतरनाक होगी। रूस के राष्ट्रपति ने यह धमकी उज्बेकिस्तान में हुई SCO समिट में दी, जहां उन्होंने सीधे शब्दों में यूक्रेन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की सेना पर हमले जारी रखे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने पलटवार का सिलसिला तेज कर दिया जिसके बाद कई इलाकों से रूस के पीछे हटने का दावा भी किया जा रहा था। लेकिन पुतिन ने साफ शब्दों में ये कहा है कि रूस की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी रूस डोनेस्क और लुहांस को आजाद कराने के साथ ही कीव की सत्ता पर काबिज होने के बाद ही दम लेगा। और इसके बीच आने वाले यूरोप के किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। पुतिन ने दावा किया कि उनकी सेना आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और अगर यूक्रेन ने हेकड़ी दिखाई तो हमले और ज्यादा भीषण हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि यूरोप के देश रूस को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे थे जिनके खिलाफ रूस का यह कदम उठाना जरूरी था। वहीं यूरोप में जारी गैस की मारामारी पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। पुतिन ने दावा किया कि रूस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के जरिए यूरोप के देशों को गैस बेचने के लिए तैयार है, लेकिन EU यानी यूरोपियन यूनियन के लगाए प्रतिबंध उसके आड़े आ रहे हैं और अगर यूरोप को गैस की किल्लत से निपटना है तो उसे रूस पर लगाए प्रतिबंधों को हटाना ही पड़ेगा। इधर मोहन भागवत ने महाभारत से जुड़ी किताब का विमोचन किया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कनेक्टिंग विद द महाभारत किताब का विमोचन किया। तो बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाएं, इसलिए लोगों ने प्रयत्न किए। BJP में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। भारत और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने चेन्नई के पास समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। इस बीच खबर है कि तुर्की को जवाब देने के लिए भारत बहुत जल्द एक ड्रोन बनाने वाला है। सेना के इस्तेमाल का ये ड्रोन तेज तर्रार भी होगा, ताकतवर भी होगा और खतरनाक भी होगा। तुर्की ने अपना एक ताकतवर ड्रोन पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है और साथ में ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान को अपना मित्र देश भी कहा है। साथ ही भारत को ये ड्रोन देने से इनकार भी किया है। तुर्की तो क्या, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं और दोनों मुल्कों के बीच की कूटनीति कैसी है। पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन देना और भारत को ड्रोन देने से इनकार करना माहौल बिगाड़ने की कोशिश से कम नहीं है। लेकिन इससे भी अहम यह है कि भारत तुर्की तो क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने के लिए तैयार है। मिलिट्री ड्रोन बनाने के मामले में भारत ऐसा कमाल करने वाला है जो महाशक्तियों की नींद उड़ा देगा। खबर है कि अपनी उम्दा तकनीक और मजबूत हौसलों के दम पर भारत ने तुर्की को जवाब देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तो हाथ फैलाता ही रह जाएगा लेकिन भारत अपने हाथ मजबूत बनाने में लगा है। रही बात तुर्की की तो उसके पास खुश होने का मौका सिर्फ ये है कि वो अपना बारकताश ड्रोन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बेचकर पैसा कमा सकता है। लेकिन उसकी किसी शरारत से भारत की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर तुर्की भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर चुका है। तुर्की के नेताओं ने भी ऐसे ही बयान दिए हैं। लेकिन बारकताश ड्रोन की पाकिस्तान से डील ने तुर्की की तस्वीर साफ कर दी। ये साफ कर दिया कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दोस्त नहीं है। जिस बारकताश ड्रोन की बात हो रही है वो पिछले कुछ महीनों से खूब सुर्खियों में। दावा यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान बारकताश ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ।
यूक्रेन की फौज ने इस ड्रोन से रूस की फौज को खूब चकाया। बारकताश ड्रोन की रफ्तार और लंबी दूरी तक मार करने की उसकी क्षमता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जंग के शुरुआती महीनों में तो कुछ हैरान करने वाले भी दावे हुए। कहा गया कि ये ड्रोन यूक्रेन से निकलकर रूस की सीमा में पहुंचा और वहां कुछ बम गिराकर लौट भी आया। कई देशों के तुर्की से इस ड्रोन को खरीदने की कोशिश की खबरें आई हैं। इनमें लीबिया, यूएई, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम पर तो मोहर लग चुकी है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। पूरी दुनिया में अब तक अमेरिका का इस मामले में कोई तोड़ नहीं था, लेकिन यूक्रेन की जंग के कारण तुर्की का ड्रोन सुर्खियां बटोरने लगा और इसी वजह से तुर्की एशिया का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुट गया। खबर है कि भारत एक ड्रोन बनाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस ड्रोन का नाम है तापस हो सकता है। कई मायनों में ये ड्रोन तुर्की के बारकताश से बेहतर होगा। तापस की टॉप स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और ये पता चला है कि इसकी रेंज होगी 1000 किलोमीटर, मतलब ये कि 1000 किलोमीटर दूरी तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। ऊपर से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये हवा में 24 घंटे तक टिक सकता है। दावा है कि सेना के इस्तेमाल के लिए भारत कुछ ड्रोन की डील अमेरिका के साथ करने वाला था। ये डील करीब 24,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी, जो एक बहुत महंगा सौदा था, लेकिन तापस का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भारत ने उस डील को कैंसिल कर दिया। तभी से इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग मानते हैं कि भारत का तापस अमेरिका के ड्रोन की भी छुट्टी करने वाला होगा। उधर रूस के गैस के खेल में बुरी तरह फंसा जर्मनी अब सऊदी अरब के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। खबर है कि गैस संकट से उबरने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे और माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान उनके एजेंडे में एनर्जी डील भी शामिल होगी, क्योंकि जर्मनी में कई बड़े उद्योग ठप होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से खड़े हुए गैस के संकट ने जर्मनी को बुरी तरह झकझोर दिया है। माना जा रहा है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही ये संकट और गहराता जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर पर सांस ले रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ सकती है। इसके अलावा उसके सामने सर्दी में ठिठुर कर जम जाने का भी खतरा है। असल में रूस उसे गैस सप्लाई पूरी तरह बंद करने की धमकी दे चुका है। ऐसा हुआ तो जर्मनी में लोगों के पास अपने घरों को गर्म रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इसीलिए पिछले कई महीनों से जर्मनी रूस की गैस का विकल्प ढूंढने में लगा है, लेकिन अब तक उसे परेशानी का कोई हल नहीं मिला। और ऐसे में गैस के मारे जर्मनी को अब सऊदी अरब ही अपना खेवनहार दिख रहा है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब जर्मनी में गैस की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। लोगों के लिए ठिठुरन पैदा करने वाले मौसम में बिना गैस के जीना मुश्किल हो जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली का बड़ा हिस्सा गैस से बनाया जाता है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। इसीलिए जर्मनी गैस संकट से निपटने के लिए छटपटा रहा है। वो एनर्जी सप्लाई ढूंढ रहा है और उसे उम्मीद है कि अब सऊदी अरब ही उसे इस संकट से छुटकारा दिला सकता है। इधर आम आदमी पार्टी के एक और विधायक से ईडी ने पूछताछ की। ईडी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक से शराब नीति मामले में पूछताछ की। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। आज तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन्हें भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में चोर एक मकान के बाहर खड़ी कार को लेकर फरार हो गए। रेल मंत्रालय ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पहलवान बजरंग पुनिया को बधाई दी। उधर भारतीय वायुसेना दुश्मनों पर नजर रखने और उन्हें जवाब देने के लिए जल्द ही प्रोजेक्ट चीता शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजरायली ड्रोन हेरॉन को भारतीय हथियारों से लैस किया जाएगा और इसे भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट चीता नाम दिया है। इसके तहत भारत में पहले से ही तैनात इजरायल के ड्रोन हेरॉन को अपग्रेड किया जाएगा। उसे ऐसी ताकत से लैस किया जाएगा कि वो न सिर्फ छिपे हुए दुश्मनों को आसानी से ढूंढ लेगा बल्कि उनका खात्मा भी कर देगा और इसके लिए भारतीय वायुसेना इजरायल से मदद लेगी। हालांकि हेरॉन ड्रोन में जो नए उपकरण और हथियार लगाए जाएंगे वो भारत की कंपनियों के ही होंगे। जिन हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने की तैयारी वायुसेना कर रही है वो करीब 10 साल पहले इजरायल से खरीदे गए थे और अब तक इनका इस्तेमाल सिर्फ सर्वेलेंस के लिए किया जा रहा था, यानी वो सीमाओं पर तैनात रहकर घुसपैठियों और छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने इन्हें बेहद घातक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए निगरानी का काम करने वाले हेरॉन ड्रोन में अब तक केवल रडार सिस्टम और ग्राउंड सर्वेलेंस जैसे उपकरण ही लगे थे, लेकिन अब इनमें ऐसे हथियार भी लगाए जाएंगे जो पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर देंगे। बताया गया कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही 250 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ने की क्षमता रखने वाले ड्रोन में कई और आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे, जिसके बाद संपर्क टूट जाने पर भी खुद ही बेस पर लौट आने वाला ये ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक करने के काम भी आ सकेगा।
इस बीच रूस को सबक सिखाने के लिए पोलैंड और बाल्टिक देशों ने रूस के नागरिकों को ही निशाने पर ले लिया। रूस के चार पड़ोसियों ने दुनिया में उसे अलग थलग करने की कोशिश में उसके लोगों की अपने देशों में एंट्री पर बैन ही लगा दिया ताकि पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। पोलैंड, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया, ये चारों देश रूस से सीमा साझा करते हैं और ये चारों नेटो के सदस्य होने के साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी जुड़े हुए हैं। यानी ये पहले दिन से ही जंग में रूस के खिलाफ खड़े और रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा चुके हैं। लेकिन इस बार तो इन चारों देशों ने पुतिन से बदला लेने के लिए रूस के नागरिकों पर एक्शन ले लिया और उनके अपने अपने देशों में कदम रखने पर तगड़ी बंदिशें लगा दी, जिसके बाद यूरोपियन यूनियन का वीजा रखने वाले रूस के लोग अब घूमने फिरने के लिए, कारोबार के सिलसिले में या फिर खेल आयोजनों में हिस्सा लेने के लिए पोलैंड, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया नहीं जा सकेंगे। मतलब पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए पोलैंड, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया अपने संगठन यूरोपियन यूनियन से भी दो कदम आगे निकल गए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी यूरोप पहुंचने वाले रूस के नागरिकों पर लगाम लगा चुका है। 31 अगस्त को ईयू ने रूस के साथ अपनी वीजा ट्रैवल डील को सस्पेंड कर दिया था। इस डील के तहत रूस के नागरिकों को यूरोप में सफर करने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट पाने में आसानी रहती है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के नागरिकों पर पूरी तरह टूरिस्ट वीजा बैन नहीं लगाया था, मगर पोलैंड, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया ने रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाकर अपने तीखे तेवर दिखा दिए और दावा किया कि रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने के बाद उनके यहाँ रूसी लोगों के पहुंचने की तादाद में बड़ा उछाल आया है, जिसकी वजह से उनके देशों में सुरक्षा और दूसरी दिक्कतें शुरू हो गई। क्योंकि जंग की शुरुआत में ही यूरोपियन यूनियन ने रूस की हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी थी, इसलिए रूस के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले पोलैंड, लिथुएनिया, लात्विया और एस्टोनिया रूस के नागरिकों के लिए यूरोप तक पहुंचने का ट्रांजिट हब बन गए थे। ऐसे में उन पर नकेल कसने के लिए इन देशों ने रूस के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाने का फैसला किया। इस बीच पंजाब में पुराना पेंशन सिस्टम लागू हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उनकी सरकार राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले सरकारी कर्मचारियों को ही इस पेंशन की सुविधा मिलती थी। शिवराज सरकार ने लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी और उम्र की तय सीमा में 3 साल तक की छूट देने का ऐलान किया। बताया गया कि ये फैसला सिर्फ एक बार ही लागू होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी। यूपी के मेरठ में कुछ लोगों पर बच्चा चोरी के शक में एक महिला को पीटने का आरोप लगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का लंदन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। महारानी के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के 500 से ज्यादा नेता और शाही परिवार के लोग पहुंचे। उधर 24 घंटे में 3 बार महसूस किए गए भूकंप के तेज झटकों से ताइवान दहल उठा। सबसे पहले आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। बताया गया कि भूकंप से हुई तबाही में एक शख्स की जान चली गई, कई लोग जख्मी हो गए। और सबसे बुरा हाल ताइवान के पूर्वी इलाके का हुआ। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि एक स्कूल की छत ताश के पत्तों की तरह ढहती चली गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहां बच्चे खेल रहे थे, वो तो छत को गिरता देख वो सही समय पर वहां से भाग गए और उन्होंने अपनी जान बचा ली। इसी तरह वहां के एक दूसरे इलाके में एक इमारत को बनाने का काम जारी था जो कि भूकंप के कारण ऐसे हिलते दिखी जैसे कोई अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा हो। और ये हालात वहां के किसी एक या दो इलाकों में नहीं, पूरी पूर्वी ताइवान में भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां की कई सड़कें और पुल पूरी तरह बर्बाद हो गए, कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। सामने आई तस्वीर में एक इमारत इस तरह जमीन पर गिरी मिली जैसे खिलौने का कोई घर हो। भूकंप के तेज झटकों ने कंक्रीट से बनी इमारत की चंद सेकंड में तस्वीर बदल कर रख दी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां राहत बचाव की टीम पहुंची और इमारत में लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। कई घंटों की कोशिश के बाद उन्हें वहां 4 लोगों को बाहर निकालने में सफलता मिली। इसी तरह वहां की कुछ और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर कई गाड़ियां और टू व्हीलर जहां तहां गिरे मिले, कुछ गाड़ियों के अंदर तो लोग फंस गए जिनकी राहत बचाव के कर्मचारियों ने वक्त पर पहुंचकर जान बचा ली। बताया जा रहा है कि इन हालात में करीब 7,000 मकानों की बिजली गुल हो गई, कई जगहों पर लोगों के लिए बिना पानी के गुजारा करना मजबूरी बन गया, क्योंकि भूकंप के तेज झटकों से कई इलाकों में पानी के पाइप टूट गए जिसका असर पानी की सप्लाई पर पड़ा। वहां से सामने आई हर एक तस्वीर ने भूकंप से मची तबाही को बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसी ही तस्वीर एक इमारत में बने स्विमिंग पूल से सामने आई जिसमें पूल का पानी समंदर की लहरों की तरह काफी ऊंचाई तक उठता दिखाई दिया। एक दूसरी तस्वीर में रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक भारी भरकम ट्रेन तेजी से हिलती नजर आई।
यही वजह रही कि ताइवान में भूकंप आने के बाद रेलवे स्टेशन से लेकर मॉल और बाजार तक हड़कंप मच गया। इधर कांग्रेस में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठी। बिहार और जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी एक प्रस्ताव पास किया और राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की। कांग्रेस पार्टी का हर जन जन चाहता है कि राहुल जी इसकी कमान संभाले। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया गया। ये मंदिर वहां बन रहे राम मंदिर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई। इस बीच रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर अलग अलग हथियारों से हमले का वीडियो जारी किया। रूस का दावा है कि इन हमलों के दौरान उसने यूक्रेन के 100 सैनिकों को मार गिराया। हालांकि ये हमले यूक्रेन के किन इलाकों में किए गए इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो रूस की तरफ से जारी किए गए उनमें कुछ रूसी टैंक दुश्मन को निशाने पर लेकर ताबड़तोड़ गोलाबारी करते दिखाई दिए। केवल पुतिन की सेना के टैंकों से ही नहीं, रूसी सैनिकों की तरफ से बाकी हथियारों के जरिए भी यूक्रेन की फौज पर हमले किए गए। कहीं गोले बरसाकर तो कहीं रूसी फौजियों ने जेलेंस्की के सैनिकों को तोपखाने से अपने निशाने पर लिया। आसमान से ली गई तस्वीरों में भी जमीन पर तबाही साफ दिखाई दी। कई जगहों पर हमले के बाद जमीन आग उगलती नजर आई, जिसे यूक्रेन की धरती पर रूसी फौज ने अपनी बड़ी सफलता के तौर पर लिया। रूस का दावा है कि उसने अपने सुखोई SU-25 एयरक्राफ्ट से भी यूक्रेन के कई ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। और इस लड़ाकू विमान से हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस का सुखोई SU-25 एयरक्राफ्ट दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल बरसाता नजर आया। रूस ने दावा किया कि कम ऊंचाई पर रहते हुए उसके इस लड़ाकू विमान ने जेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले में रूस के सुखोई SU-25 एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों, हथियारों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना को इतनी बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाने के बाद रूस की तरफ से जारी वीडियो में इस लड़ाकू विमान को सुरक्षित लैंड होते भी दिखाया गया। इधर दिल्ली की अदालत से सत्येंद्र जैन को झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। असल में ईडी ने इस मामले को दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की मांग की थी। ये मांग ऐसे वक्त में की गई जब जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई आखिरी दौर में थी। अब इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आरोप है कि कोनो नेशनल पार्क में ली गई प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की गई और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने साइबर सेल को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। मैंने साइबर विभाग जो पुलिस का है उसको इसकी पूरी जांच करने का कहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस और कंटेनर के बीच टक्कर हो गई, जिसमें बस में सवार एक आदमी की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हो गए। उधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बैग की एक दुकान में आग लग गई, जिसकी वजह से सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का जो वीडियो सामने आया उसमें दुकान के अंदर से कई मीटर ऊंची लपटें उठती नजर आईं, जिसे एक आदमी बुझाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन आग इतनी भीषण हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां फौरन फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए दमकल कर्मियों ने दुकान पर पानी की बौछार शुरू कर दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन वहां फैले धुएं ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया। अब जलती है गीली लकड़ी कब जलती है। सौबात की एक बात कही रोशन ने, भोर लगे है घोर अमावस, कौन चिता यारब जलती है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा सौबात की एक बात।